जा रहे हैं, और हमारे अलावा भी और भी लोग हैं, बहुत सारा लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो एकदम डायरेक्टली पहुँच लेते हैं एकदम जगह पे, फिर से जो है मिलते हैं। जय माँ जय हरु हरु आली, ओए हरु हरु आली, ओए पका धानर माजे माजे। इमान कोनो पानी रोय ने ताको इमान अपोत है, बोलते हैं झूम के ताको इमान अपोत है ने इमान अपोत हमार तो चिताए गले। तो गाइस जंगल के बीचों बीच होके देखिए कितना एक ब्यूटीफुल, ये एक तो गाइस यही है असली जो एडवेंचर है ना, असली जो नेचर है यही है। ठीक है, देखिए जंगल के बीचों बीच से होके हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल देखने, वाटरफॉल। सो चलिए, चल नहीं पा रहा हूँ, और ओह गॉड, देखिए मछली। हाँ ओ गॉड, बहाव के साथ में हमें चलना पड़ेगा। ये है असली एडवेंचर है ना हारून, ये है असली एडवेंचर वाला ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? बहुत ही बढ़िया है हम लोग, क्योंकि पसीना आ रहा है और पसीना निकालने का बाकी है रे बाबा। ज्यादा मतलब गर्मी और ज्यादा ये जो क्या कहते हैं उसे, मतलब आप हो रहा है ना, आप है इसलिए ज्यादा थकान महसूस हो रहा है, आप है ना। तो आगे है विकास भाई, और उसके बाद है गोगोई भाई, उसके बाद है महतो भाई यानी कि वीरेंद्र सॉरी भुवनेश्वर, उसके बाद है प्रहलाद, उसके बाद है हारूनी, और सबसे लास्ट में मैं। तो देखिए बहुत ही एक खूबसूरत हो माय गॉड, सामुक ना देख ला आ मजा 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 मजा। सो देखिए, अरे क्या कर रहा है। तो गाइस ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं ना, ये कितना लंबा होगा मुझे भी पता नहीं, क्योंकि हर एक पल हर एक जगह हर एक मोमेंट जो है बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ये देखिए ये एक तरह का खेती है, ठीक है, ये मरापाट है, मरापाट है ना, एडो ना ये मरापाट टेंगा मोड़ा या मरापाट, हाँ टेंगा मोड़ा है। तो ये पहाड़ों में अक्सर ऐसा खेती किया जाता है जिसे झूम खेती भी कहते हैं, झूम खेती जो पहाड़ों में करते हैं ना। तो इधर है बीच बीच में धान भी है, उसके बीच बीच में जो है टेंगा मोड़ा, और ऊपर केला का पेड़ है। ओह माय गॉड, मेरा तो आवाज़ नहीं निकल रहा, सांस जो है फूल जा रहा है। उधर देखिए कैसा आवाज पानी का, ओह गॉड प्लीज सेव मी। आज तक तुम्हारा बहुत ब्लॉग था ऐसा कुछ पहले नहीं, ऐसा ब्लॉग मेरा एक्सपीरियंस था, लेकिन ब्लॉग का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, मतलब लग रहा है एकदम बहुत ही खूब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसा ब्लॉग कभी नहीं बनाया, ऐसा नहीं।
हाँ, मतलब ऐसा जगह एक बार गया था और निफानी गया था निफानी, लेकिन ये सेकेंड टाइम है ब्लॉग में। क्या है इस जगह का नाम, क्या था, लांगसुंग या वो लोग जो है ना, जो है अलग ही कुछ नाम बोल रहा था। ओ माय गॉड, गॉड प्लीज सेव मी। देखिए कैसे पहाड़ों पे चढ़ रहा हूँ ना, दम ख़त्म हो गया है। आज रात को नींद बहुत ही मस्त आने वाला है। ओह माय गॉड, इधर देखिए छोटा छोटा झरना जैसा, वन टाइप ऑफ झरना वाटरफॉल। ओह माय गॉड, मिल गया फाइनल हमें ऊपर। देखिए वो रहा झरना, देखिए और ताकत नहीं है। फाइनली तो हम लोग पहुँच गए डेस्टिनेशन पे, जगह पे, लेकिन और थोड़ा ऊपर होता ना तो मैं चढ़ नहीं पाता, क्योंकि जितना सारा स्टेमिना था सब कुछ खत्म। थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे, बच्चे जो है झरना। ये अभी पानी थोड़ा कम हो गया है, पानी कम है, उससे भी ज़्यादा पानी आता है, कम हो गया है, क्योंकि बोल रहा है जो पानी है वो बंद कर दिया ऊपर में, बाकी मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है ठीक से, झरना का साउंड भी आ रहा है, ब्लॉग जो है इतना ऊपर चढ़ के आया है, यही है फाइनली जो जगह है, आप लोगों को मैंने दिखाया ऑलरेडी। तो हारून लोगों ने जो है पूरा वहाँ पे नहा लिया वाटरफॉल पे, कोलाद ने भी नहाया, उसके बाद भुवनेश्वर ने भी नहाया, बहुत ही मस्ती किया था। तो थोड़ा अभी ऊपर चढ़ के देखते हैं, ऊपर इधर से जाएंगे, इधर से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके देखते हैं क्या है। तो यही है जो प्लेस मैंने आप लोगों को दिखाया, आ सकते हैं आप लोग। ये जो है बोगीजान, बोगीजान पे ही है मेन जो पॉइंट है, बोगीजान, बोगीजान से ही ये जो है पहाड़ी, पहाड़ के तरफ आना पड़ता है तभी आपको ये प्लेस मिल जाएगा, ठीक है। तो लांगसुक, लांगसुक बोलते हैं इस जगह को, लांगसुक ना, लांगसुक। तो यही है लांगसुक, आप लोगों को दिखाया, बहुत ही एक बेहतरीन, बहुत ही एक शानदार प्लेस है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस है। तो ये जो झरना है ना, ये झरना में और भी पानी आता है ज़ोर ज़ोर से, लेकिन
फिलहाल कुछ कोई लोग जो है बोल रहा है ऊपर बंद कर दिया है, पानी को ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए मतलब थोड़ा कम से मतलब पानी आ रहा है नीचे। तो चलते हैं ऊपर, थोड़ा देखते हैं क्या है, ठीक है? तो वीडियो पर बने रहिए। तो फाइनली यही है लांगसुक, बहुत ही पहाड़ों के बीचों बीच है। बोगीजान से थोड़ा अंदर आना पड़ता है ये पहाड़ी के तरफ। तो हारून लोगों ने पूरा नहा लिया, यहाँ पे फ्रेश हो गया, और अभी वो लोग इधर से जो है ऊपर गया है, ऊपर के तरफ गया है, मतलब झरना जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे उधर गया हुआ है। तो यही है फाइनल, देखिए कितना एक खूबसूरत नज़ारा है, कितना एक ब्यूटीफुल जो है नेचर आप लोगों के आँखों के सामने आप लोग देख पा रहे हैं। यही है गाइस लांगसुक। तो थोड़ा देर रुकते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। हो सके तो मैं यहाँ पे नहाऊंगा, अभी थोड़ा फ्रेश हो लूँगा। सबको ही जो है वहाँ पे नहा रहे हैं। तो यही है गाइस, आप लोगों को दिखाया, आप लोग भी आ सकते हैं। तो थोड़ा अंदर है, बाइक एकदम अंदर तक यहाँ तक नहीं आता है, आप लोगों को पैदल आना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन हम लोग देखिए ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है सर। हो रहा व्यायाम, ऊपर चढ़ चुका है, मैं उठ रहा हूँ अभी। चढ़ रहे हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है, ऊपर कैसा है? नीचे बहुत लड़की है ना, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। देखिए इधर खाना बच रहा है, बकरी है, बकड़ा है, पकोड़ा है, क्या क्या है भाई? हाँ, मीट, बकड़ा का मीट, बकरी, देखिए बकरी का है। हाँ, इधर देखिए प्लेस कैसा है। ऊपर हो रहे हो, देखिए घेरा भी है। चलिए ऊपर जाते हैं। विकास भाई के साथ आइए। ठीक है, अली आगे ली, ठीक है अली, सीधा ये देखिए। डीएम तक चुका है और आप आ रहा है, ये रहा विकास भाई। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है, इतना ऊपर तो हम पहली बार चढ़ रहे हैं। हाँ, और भी ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? चलो देखिए, फोटो मार रहा है भाई। हाँ, कब दो फोटो बना है और नहीं जा सकते उधर से। तो नीचे की तरफ देखिए भाई,
ये रहा वाटर स्पॉट, इधर कितना लोग पार्टी कर रहा है। और गाइस ये जो है बर्फ बर्फ ब्रेक है, ठीक है, सब कोई बर्फ का आइसक्रीम खा रहे हैं। तपन गोगोई कुछ बोल रहा है, बोलो। गर्मी ज्यादा हो रहा है इसके लिए खा रहा हूँ। धन्यवाद कैसो, थैंक यू कैसो। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और राजेश भाई भी हमारे साथ है। ये देखिए राजेश भाई, भाई कैसा लगा आपको प्लेस? बढ़िया ना, दमदार। और अच्छा लगा? ओह एक्सेलेंट। कैसा लगा आपको? एक्सेलेंट। आप लोगों मेसर, आई लव मेसर। ये बैग की कौन लेगा? ये तुम ले लो। तो दादा 2 अप्रैल कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा ये बोलो पहले। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। हाँ, हम लोग दोबारा फिर आएंगे, आप प्रिपेयर रहना, होगा। हाँ, ये देखो अब हमारा दादा भैया जैसे आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, कुछ बोल दो, कुछ देश के लिए कुछ बोल दो भाई, कुछ हमारे भारत के लिए, भारत के लिए, भारत देश के लिए। हाँ कुछ बोलिए। हाँ करने की बड़ा कोई दिले हो अपनी, कोई दिले आप बोल दीजिए कि बड़ा मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, भारत महान, महान महान, यही चाहिए। सो गाइस हम लोग लांगसुंग से इधर आ गया, ये मोटू पतलू जो है प्लेस, तो वहाँ पे वीडियो जो है एंडिंग में नहीं कर पाया क्योंकि मतलब बारिश आ गया था, थोड़ा ज़ोर से आ गया था, तो मोबाइल और कैमरा सारा कुछ हमें सेव करना पड़ा। तो अभी वहाँ से ये क्या दुमदुमा डुंगडुंग इसको गाइस बेथल मंडोली एंड डुंगडुंगिया डुंगडुंग कहते हैं। ओके, प्लेस का नाम तो ये बेथल मंडोली कोयला माटी डुंगडुंग, ये जगह है, ठीक है, डुंगडुंगिया सॉरी। और ये इसको ये भी कहते हैं मोटू पतलू प्लेस। तो यहाँ पे जो जो आप लोग पत्थर देख रहे हैं बड़ा बड़ा, तो पत्थर के मतलब जो है फ्रंट साइड में बड़ा बड़ा सा कुछ मतलब आर्ट किया हुआ है, तो मैं नीचे जाके एक बार दिखाऊंगा। तो यहीं से ये सारा कुछ दिखा के मैं वीडियो को क्लोज करूंगा गाइस, तो यहीं तक होगा वीडियो। तो एक बार जाते हैं नीचे, क्या क्या देखने को यदि कुछ मिलता है अच्छा तो कैप्चर करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो एंड होने वाला है, तो यहाँ से ही ये दो एक जो है मतलब वीडियो शॉट लेके हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे। गाइस देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ जो है मतलब पेंट किया हुआ है, यहाँ पे है कार्डुम, मतलब इस जगह का नाम है शायद कार्डुम। ओके, तो इधर है ऐसा कुछ, यहाँ पे है बाई हारून। हारून ये तो तुम ही पेंट करी सिला ने की? हाँ, आई एम द पेंटर ऑफ दिस आर्टिस्ट, बाई हारून। तो ये जो पेंट है मेरा दोस्त हारून ने किया था या नहीं मैं पूछ लेता हूँ उससे। देखो आप लोगों को जो एरिया और पिक्चर दिखाने वाले हैं ये मैंने पेंट किया था बहुत पहले, विकास से पहले ही। तो देखिए मेरा नाम भी इधर दर्ज है, हारून, HARUN। देखिए हारून चार साल के बाद मैं इधर आ रहा हूँ। ये हारून ने पेंट किया था और ये पत्थर के ऊपर जो है आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, पेंट सच में तुम किया था, सच में सच। अरे हारून सच सही बस, ओ माय गॉड, हारून ने पेंट किया था और आज देखिए ये। यो मैन आई एम प्रो। ओके सो थोड़ा उस तरफ जाते हैं, उस तरफ क्या है देखते हैं, ठीक है। तो उस तरफ भी ऐसा कुछ पेंट बनाया हुआ है बहुत सारा पत्थर में, देखिए। तो ये मोटू पतलू प्लेस और थोड़ा बीच में जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है इस तरह से,
और गाइस यही है तो मटू पतलू प्लेस दुम क्या था नाम में भूल गया प्लेस का फिर से दुमदुमा या कुछ था ऐसा करके एंजॉय योर बट ओके गाइस यही था आज का वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया जैसे कि लांगसुक वाटरफॉल दिखाया प्लस यहाँ पे ये जो है प्लेस बैठल मंडली मोटू पतलू प्लेस डुंगडुंग तो यही था आज का वीडियो दोस्तों बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा तो यही कहते हुए आज का वीडियो करते हैं ख़त्म सो गाइस जय हिंद एंड वंदे मातरम और जय आए अखम सो गाइस देखिए स्पेन का ये इनॉग्रेट क्या हुआ चर्च गाइस कैसा लगा भाई स्पेन अच्छा का इनॉग्रेट को किया हुआ बहुत ही अच्छा बूम बहुत ही अच्छा ना हाँ देखो भाई बहुत अच्छा लगा पीएम कैसा लगा बहुत अच्छा लगा हाँ हमारे पास विकास भाई भी है विकास भाई के साथ बात करेंगे हम लोग तो ब्रो हाय मैं हूँ विकास वाला यहाँ की रहने वाला तो आज दोस्तों हाउ डेट इज योर फील ब्रो मैं तो अच्छा ही आई विल फील ऑफ कोर्स गुड बिकॉज आई एम फ्रॉम हियर ओनली नॉट सो फार फ्रॉम माय प्लेस या बिफोर आई हैव विजिटेड 2-3 times सो माय फ्रेंड्स टोल्ड मी टू विजिट देयर सो आई दिस इज द फर्स्ट टाइम टू वी ईच अदर मीट नाउ सो टुगेदर वी आर मीटिंग व्हाट्स गोइंग ऑन दिस मीटिंग गाइस हेलो गाइस इस चर्च को स्पेन ने इनॉग्रेट किया है स्पेन का मैं रॉ मटेरियल्स है और स्पेन ने इसको इनॉग्रेट किया है तो आप लोग देखिए इस चर्च का नज़ारा और बोलिए क्या होता है इस नज़ारे में स्पेन का चर्च वाओ गाइस स्पेन इंडिया कहाँ स्पेन बाहर देश आउट ऑफ इंडिया तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वीडियो को एंडिंग की तरफ ले जाने के लिए वीडियो तो एंडिंग हो गया वीडियो तो एंडिंग हो चुका है लेकिन फिर भी कंक्लूशन बाकी है ना बाहुबली की तरह अरे बाबा तो गाइस हम लोग टुडे इंडिपेंडेंस है ना तो हम लोग एक गाना गाएंगे गाना नहीं कहते उसको राष्ट्रीय संगीत बोलते हैं लेकिन सॉरी गाइस मेरा जो भूल हुआ उसको माफ़ कर दीजिए तो गाइस हम लोग नेशनल एंथम शुरू करने वाले हैं अब तो 1-2-3 जाना गाना गाना या दीना